हेलो फ्रेंड, मैं हूँ स्नेहा। स्नेहा शर्मा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। किचन में काम करते समय अगर आप ये टिप्स आजमाएंगी तो किचन का काम आसानी से और चुटकियों में हो जाएगा। तो आइए जानते हैं ये टिप्स कौन से हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हैं, आप इसे ज़रूर आजमाएं। फर्स्ट टिप्स है, घर पर बने प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च के पेस्ट में एक छोटा चम्मच गर्म तेल व नमक मिला देने से लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। सेकेंड है, दाल के साथ परवल बीन्स जैसी सब्जी बनाने जा रही हैं तो इन्हें काटकर दाल के साथ ही प्रेशर कुकर में उबाल लें। सब्जी को एक छोटे बर्तन में रखकर ऊपर से ढक्कन लगाकर कुकर में रखें। बाद में कढ़ाई में दाल व सब्जी का अलग अलग मसाला भूनकर तैयार करें। इस तरह से दो चीज़ों को एक साथ बनाने में समय की बचत होगी। थर्ड टिप्स है, ड्राई फ्रूट्स को किसी भी रेसिपी में डालना हो तो उसे पहले से काट कर फ्रीज में रख लें। फोर टिप्स है, थोड़े ढीले टमाटर ठंडे नमक मिले पानी में कुछ देर रखें, वे फिर से सख्त हो जाएंगे। फाइव टिप्स है, कटहल को काटने के तुरंत बाद गुनगुने पानी में डाल दें। इससे कटहल काला नहीं होगा और उसका चिपचिपापन भी खत्म हो जाएगा। कटहल के बीज उबाल कर उनसे हलवा व बर्फी बना सकती हैं। बीज फ्राई करके भी खा सकते हैं। सिक्स टिप्स है, पुदीने की चटनी को मिक्सी में बनाते समय ज़्यादा देर तक न पीसें, वरना कड़वा स्वाद आएगा। ज़्यादा देर तक पीसने से पत्तियों के तेल से गंध आनी शुरू हो जाती है। सेवन टिप्स है, सूप में ज़्यादा नमक पड़ जाए तो उसमें चुटकी भर चीनी और थोड़ा सा नींबू का रस मिला दें। चाहे तो इसमें थोड़ा पानी या दूध भी मिला सकती हैं। एट टिप्स है, टमाटो सूप को टेस्टी बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां पीसकर मिलाएं, टमाटो केचप और टेस्टी बन जाएगी। नाइन टिप्स है, रोटियां सूख कर बासी या वे सख्त हो जाएं तो इन्हें एयर टाइट डब्बे में एक साफ कपड़े में लपेट कर रखें। ध्यान रखें कि यह डिब्बा कुकर में आसानी से आ जाए। इसे कुकर में थोड़ी पानी के साथ रखकर थोड़ी देर के लिए आँच पर रखें और दो सीटी दिलाएं, रोटियां फिर से ताज़ी हो जाएंगी। टेन टिप्स है, चावल सर्व करते समय अधपके लगे तो उनमें फिर से पानी डालकर पकाया नहीं जा सकता। ऐसे में थोड़ा सा दूध डालकर स्टीम दिलवाएं, चावल खिले खिले बनेंगे। एलेवन टिप्स है, चावल पकाते समय हल्के जल जाए तो आँच से उतारकर उन पर सफ़ेद ब्रेड 10 मिनट के लिए रखें। चावलों में से जली गंध चली जाएगी और खाने लायक हो जाएगा। 12 टिप्स है, गर्मियों में झटपट बर्फ जमानी हो तो गुनगुने पानी को फ्रीज में जमने के लिए रखें। 13 टिप्स है, साबुत दालों को स्टोर करते समय इसमें नमक के टुकड़े डालें, इससे वे अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। 14 टिप्स है, गेहूँ में मेथी के पत्तियाँ सुखाकर मिलाकर रखी जाए तो गेहूँ सुरक्षित रहता है, गेहूं खराब नहीं होते हैं। 15 टिप्स है, अरहर की दाल में 2-3 बूंद तेल की डालें, फिर उसे मसल लें और रख दें। इससे दाल में कीड़े नहीं लगेंगे और दाल गलेगी भी जल्दी। 16 टिप्स है, अरहर की दाल के साथ नारियल का छिलका रखें, यह खराब नहीं होगा, इससे अरहर की दाल खराब नहीं होती है। 17 टिप्स है, चीज़ को स्टोर करने के लिए किसी फाइल या वैक्स पेपर में लपेट कर वेजिटेबल ट्रे में रखें। चीज़ लंबे समय तक फ्रेश रहेगा, इसे कभी भी फ्रीज़र में ना रखें, इससे स्वाद व टेक्सचर पर असर पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो 18 टिप्स से नट्स एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज में रखें, लंबे समय तक ताज़ा रहेंगे। इसमें ऑयल होते हैं, बाहर रखने पे ख़राब हो जाते हैं। 19 टिप्स से हरी पत्तेदार सब्जियों को साफ करके पेपर में लपेट कर फ्रीज में रखें, लंबे समय तक ताज़ा रहेंगी। तोरी गीले कपड़े में लपेट कर रखें, इससे तोरी जल्दी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल हरी रहेगी। मिलती हूँ एक और नए वीडियो या टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।